7 अगस्त 2024 के मुख्य समाचार। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे और भारत में शरण लेने के बाद बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन बढ़ गए हैं। इस स्थिति ने बांग्लादेश की स्थिरता और भारत के साथ उसके संबंधों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ सकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि राज्य सभी फसलों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदेगा। इससे हरियाणा भारत का पहला राज्य बन गया है जो इतनी बड़ी मात्रा में ये कदम उठाएगा। वक्फ एक्ट ऑफ 1995 में बदलाव करने के लिए एक पॉसिबल गवर्नमेंट बिल पर चर्चा चल रही है। इस बिल का उद्देश्य वक्फ बोर्ड्स में अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी में सुधार करना और उनके प्रशासन में महिलाओं को शामिल करने को बढ़ावा देना है। ग्लोबल इक्विटी बाजारों में एक गंभीर गिरावट का अनुभव हुआ, जिससे टोक्यो से लंदन तक के प्रमुख बाजारों में महत्वपूर्ण गिरावट आई। महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा के मॉनसून सेशन के दौरान महाराष्ट्र जेल और सुधार सेवाएं बिल प्रस्तुत किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मया सम्मान योजना शुरू की है? ए बिहार, बी झारखंड, सी ओडिशा। धन्यवाद।